हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है दिन शनिवार, डेट है 16 तारीख। अरे ये टाइम हो रहा है सुबह का, मतलब उठे तो 4:10 में उठे, लेकिन अब और धीरे धीरे ना, समझो तो फटने बोलते हैं ना, उजाला होना, अब धीरे धीरे और देरी से हो रहा है। तो हम सोचे कि 5:30 होने जा रहा है, लेकिन अभी फॉग फट रहा है। तो आते हैं घूम के थोड़ा देर क्या 6 बजे तक आ जाएगी। गए 5:30 में गए थे और 6:15 हो रहा है, 45 मिनट, और जाती आती 5 किलोमीटर हो ही जाता है। और सबसे ज्यादा टेंशन है कि मेरे साथ मेरा डॉग ही जाता है, और इतना जोरों से बारिश। कैमरा से दिखाते हैं, मतलब घर आए हैं और बारिश शुरू। तो आज हम दूध लाने कैसे जाएंगे, देखिए कैसे मौसम, मतलब 6:30 होने जा रहा है, 6:10 हुआ है, 6:30 नहीं 6:10 हुआ है, और बारिश। उसको निकाल दिए हम 5 बजे कि जाएगा अपना इधर उधर घूमेगा टहलेगा, लेकिन नहीं, गेट पे खड़ा रहा कि जब आएगी हम तब जाएंगे। और मेरे साथ साथ उतना दूर गया है, उतना दूर से आया। तो चल जाएंगे, दूध भी ले आएंगे, तो अब दूध लाने तो जाएंगे नहीं, ऐसा बारिश हो रहा है। वाओ, साउंड सुनी है, अगर नहीं होगा बारिश तो चल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं। हाँ, के पूजा वजा हो गया है, जा रहे हैं कपड़ा इसको डाल देते हैं। देखिए अब धूप निकल गया, सुबह में तो एकदम घनघोर अंधेरा। तो सब काम हो गया था, तो उसके बाद आ गए थे छत पे कपड़ा डालने के लिए, और देखिए मेरा छत कितना खराब दिख रहा है। लेकिन जब बारिश होता है ना तब ऐसा खराब दिखता है, और जब धूप रहेगा तो ऐसा खराब नहीं दिखता, थोड़ा सा भीगा हुआ रहता है तो ज़्यादा काला दिखता है। तो खैर छोड़िए, तो आज और कुछ शूट किए नहीं, बस क्योंकि लंच में तो बना था क्या, नेनुआ का सब्जी। हाँ, नेनुआ का सब्जी बनाए थे, और कुछ वैसा कुछ खास था नहीं। और हाँ, नेनुआ का सब्जी जो बनाए थे तो आज बहुत दिन के बाद बनाए थे, उसमें मसूर का जो दाल होता है उसको डाला। वैसे उसका सब्जी को चना दाल डाल के या चना डाल के भी बनता है, लेकिन हम आज मसूर दाल डाल के बनाए थे, तो बस इसलिए और कुछ शूट नहीं कर पाए। तो बस डेली का ही कपड़ा था,
डालना होगा, क्योंकि बारिश वाला फिर मौसम कर दिया, सूखना जरूरी है। देखते हैं अब खाना पीना बनाएंगे। खाना पीना में कुछ नहीं, आज बनेगा नेनुआ की सब्जी, रोटी। और यहाँ पे किसी से बात कर रहे थे और कैमरा तो ऑन था ही, तो रिकॉर्ड हो रहा था। फिर बाद में जब हम एडिटिंग कर रहे थे तब देखे कि वो कुछ हम कैमरा ऑन करके और कुछ बात उससे अगला से कर रहे थे, जो आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं, सॉरी। तो चलिए कोई बात नहीं, तो घर का रोज आप लोग व्यू देखते ही हैं, वही है हमारा मैगी बेटा, बस वहीं हॉल में। तो हाँ बता रहे थे, मेरा मैगी बेटा वहीं हॉल में, जो फैन चलते रहेगा वहीं नीचे सोएगा, कितना भी डांट लीजिए मार लीजिए कुछ कर लीजिए लेकिन वहीं रहेगा। अरे ये नेनुआ का सब्जी बनाने का तैयारी कर रहे थे, तो पहले मसाला वसाला भून भाज लिए, क्योंकि नेनुआ का सब्जी में तो पानी निकलता है, तो पहले मसाला भून लिए, उसके बाद फिर नेनुआ डाल के नमक डाल के मसूर का दाल डाल के बनाए, और बड़ा अच्छा लगता है। मसाला भून गया था, उसके बाद नेनुआ डाले, उसके बाद फिर दाल डाल दिए, नमक डाल दिए, बस इसका जो पानी निकला उसी से नेनुआ का सब्जी बनके तैयार। इसको चावल या रोटी के साथ कुछ मतलब अच्छा लगता है, पराठा रहे चावल रहे रोटी रहे मतलब अच्छा लगता है खाने में। ठीक, यहाँ आ गए थे हम, मकई छुड़ा रहे थे, मेरा बगान का हुआ ना उसी को बोले चलो रखा हुआ इधर उधर, इसको छुड़ा के क्या करे भाई, आज शनिवार है तो क्यों ना भुजा बनाया जाए। और हाँ भुजा पहले भी हम बनाते थे, तो आज सोचे कि आज शनिवार है ही तो फिर बना लिया जाए। तो यहाँ थोड़ा सा चना भी ले लिए, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दिए चना में, और हल्का सा नमक, क्योंकि नमक में ही भूजदान था इसको, तो हल्का नमक डाले और उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिए थोड़ा देर के लिए, तब तक मेरा नमक गर्म हो गया। और पहले तो लोग बालू में भूजते थे, लेकिन जब दांत के नीचे एक आध आने लगा कंकड़ ना, तो बालू छोड़ के लोग नमक में भूजने लगे, और हम भी वही करते हैं। और दिखा रहे थे कि मकई है और चूड़ा था और चना, अब थोड़ा सा मूंगफली। और आज दिन भर कुछ शूट नहीं किए, तो वही सोचे कि चलो कम से कम शनिवार है मेरा काम, तो वही बात है ना, जो हम काम करते हैं डेली वही चीज हम शूट करते हैं, तो सोचे शनिवार है भुजा भूज लेते हैं तो चलो शूट भी कर लेते हैं। तो और कुछ विशेष काम किए नहीं, तो विशेष कुछ शूट भी करने का चीज नहीं था, तो इसीलिए नहीं कर पाए थे। तो ये तो रात में भुजा भूज रहे थे तो वही शूट किए। तो यहाँ सबसे पहले मकई से शुरू किए, इतना ना उड़ रहा था कि कुछ कहने का नहीं, तो देखिएगा कैसे मतलब उछलना शुरू कर देता है ना कुछ कहने का नहीं। सबसे ज्यादा तो डर लगता है ना कि कहीं आंख में ना पड़ जाए चीटा बेटा, हाथ हाथ में तो पड़ते रहता है वो अलग बात है, सिर्फ आंख का ज्यादा टेंशन रहता है। लेकिन हाँ घर में जब आप भून लीजिए तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है, घर का ताजा ताजा एकदम भूज के। देखिए इस तरह से इसको ढक के चलाते रहे, मेरा आंख में ना पड़े बस यही डर से। और अब चना भून रहे थे, तो चना जो घर का होता है ना काला चना बस वही था, और एक होता है ना जिसका सिर्फ मतलब क्या उसको बोलते हैं पूरा फुला फुला हुआ एकदम छिलका निकल जाता है पूरा, उसको हाथी चना वो शायद बोलता है, तो वो चना नहीं था मेरा, घर का काला चना था। तो जितना हो सका वो फूटा और जो नहीं फूटा सो नहीं फूटा, लेकिन फिर भी भून अच्छा से गया था।
खाने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा था। और सबसे ज़्यादा खुशी लगता है ना कि एकदम तुरंत का भुजा हुआ गर्म हुआ। मकई भून लिए, उसके बाद फिर चना। चना में उतना टेंशन नहीं था, मकई में ही सबसे ज़्यादा टेंशन था उछलने का। चना मूंगफली ये सब में कुछ नहीं। नमक बार बार गर्म हो रहा था ना, इतना ना चिड़ 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 कर रहा था, पूरा गैस पर नमक फैल गया था। वही दूध वाला जो ढक्कन था, गर्म था ढक्कन दूध का पतीला, उसको हटाया नहीं था तो ऊपर में देख रहा है कितना पड़ गया। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। अभी अब चूड़ा शुरू कर रहे हैं, चूड़ा भून लेंगे, उसके बाद फिर मूंगफली भूनना। तो ज़्यादा तो नहीं बनाए, लेकिन हाँ दो चार दिन का तो हो ही गया। तो आज तो संडे था, संडे को खाए भी नहीं, चल गए थे मार्केट, तो क्या खाते। और हाँ ये तो कल, आज हम संडे को है, इसको एडिटिंग कर रहे हैं तो सॉरी उसके लिए। अभी पता नहीं कब तक पोस्ट करेंगे। चूड़ा को तीन या चार बार करके, हाँ चार बार करके भूने, क्योंकि चूड़ा को थोड़ा हल्के हाथों से भूनना पड़ता है, नहीं तो कढ़ाई अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो जल जाने का खतरा रहता है, तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा करके चार बार भूनते हैं। ये हो गया आपका, ना इसमें तेल ना इसमें मसाला, एकदम सा हेल्दी हेल्दी नाश्ता। हाँ, और आपका अगर टेस्ट है कि नहीं हमको इसमें प्याज काट कर डालना है, इसमें टमाटर काट कर डालना है, धनिया पत्ता काट कर डालना है, थोड़ा सा दो नींबू का रस डालना है, नमक तो है ही, दो बूंद ऑयल डालना है सरसों का, तो फिर और क्या कहना, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो इसका टेस्ट तो लाजवाब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को अगर जो इस तरह का मसाला डाल कर नहीं खाना है तो आप प्लेन भी खाइए, क्योंकि नमक तो इसमें है ही और किसी चीज़ का ज़रूरत भी नहीं है। बड़ा अच्छा सोना सोना लगता है खाने में। तो यह मूंगफली भून रही थी, मूंगफली एक ही थोड़ा सा ही भूने, ज़्यादा नहीं। हालांकि इसमें मुढ़ी भी भूनता था, मैंने मुढ़ी का चावल आता है तो मुढ़ी का चावल तो बनता ही है उसी तरह से। हम लोग मतलब मैं नहीं बनाई हूँ कभी, मतलब हम लोगों के यहाँ मुढ़ी का चावल ही बनता था, जिसको हम लोग फरही बोलते हैं। तो मुढ़ी तो थोड़ा मोटा मोटा होता है, तो लंबा लंबा बड़ा बड़ा, लेकिन फरही होता है लंबा लंबा पतला पतला। तो उसकी जगह ये चूड़ा भून लिए और ये चना हो गया। तो और ये मकई, मेरा मुढ़ी के जगह पे चूड़ा हो गया। ये हो गया तैयार शाम का नाश्ता। आप लोग भी बनाइएगा जरूर, अगर बनाने आता हो। चना को यहाँ थोड़ा सा हाथ से मसल मसल के ये कर दिए, ताकि इसका छिलका भी जो उतरना है सो उतर जाए, और जो नमक ऊपर से ज़्यादा चढ़ा हुआ रहता है चना में ही इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, बाकी और किसी चीज़ में नहीं। तो हाथ से मसल देने से नमक उसका सारा एक्स्ट्रा जो नमक है जो सब निकल जाएगा, और उसको थोड़ा सा हिला के बैठा देने से हो जाता है कि नमक नीचे बैठ गया, और फिर ऊपर से चना को निकाल दिए, जो एक्स्ट्रा चना में नमक जो लगा हुआ है वो निकल गया, तो फिर उसका जो टेस्ट अच्छा होना चाहिए वैसा हो गया। और ये कटोरा देखिए, इस कटोरे को जो भी थोड़ा सा दिखा जिसमें रखे हुए हैं मकई और ये, इस तरह से सारे चने को अभी हाँ
सबको मिक्स कर लेना। चना है थोड़ा डाल दिया उसमें, और ये मकई और मूंगफली था, तो सारे को डाल के इसमें मिक्स कर लिया। तो ये है जो कटोरा आप देख रहे हैं ना, ये एक जोड़ा है, मतलब एक कटोरा और है, ये दोनों हम जो पुराना कपड़ा होता था उससे बदल के लिए, उनको अच्छा लगा प्लेन प्लेन, तो चलो ले लेते हैं। तो ये पुराना कपड़ा से ही बदल के लिए सोचे, बैठे बैठे भुंजा भुंज देते हैं। तो ही मकई था बगान का, दूसरा है और छुड़ाना है उसको, बाकी है और चूड़ा रखा हुआ था, चना था, मकई था और मूंगफली, चारों को सूखा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है मेरा सूखा भाजा। तो चलिए फिर मिलेंगे, फिर बोल रहे हैं फिर मिलेंगे अगले एक नए से ब्लॉग में।